इस वीडियो में हम अपने रेस्टोरेंट क्लास को देखेंगे कि हमारे पास इस रेस्टोरेंट क्लास में क्या क्या चीज़ें, क्या क्या वेरिएबल्स, क्या क्या फंक्शंस, क्या क्या क्लासेस डिफाइन हुए हैं। और जैसे कि हमने पहले जब हम पिछले ट्यूटोरियल में अपनी देख रहे थे, गाइड क्लास को देख रहे थे, तो हमने देखा था कि हमने एक रेस्टोरेंट की क्लास डिफाइन की है, उसका एक फंक्शन भी हमने डिफाइन किया था। वहाँ पर हमने कहा था कि यहाँ पर जो है वो रेस्टोरेंट की फाइल आ जाएगी, टेक्स्ट फाइल, जिसमें तमाम रेस्टोरेंट्स लिस्ट होंगे और उसके ऊपर मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म होंगे, वो भी हो सकेगा। अभी मैं जरा रेस्टोरेंट के ऑप्स को ओपन करती हूँ, तो आप देखेंगे क्लास है रेस्टोरेंट की, उसके बाद फाइल पाथ है रेड सिंबल के साथ, जो कि नील है मेरे पास, मतलब कि ये डिफरेंट जगहों पर एक्सेस हो सकता है ये फाइल पाथ। उसके अलावा हमारे पास है डेफ डेफिनेशन, मतलब सेल्फ। सेल्फ एक ऐसा वेरिएबल है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं इस कोर्स में कि हम जब भी क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करते हैं, यानी कि क्लास के मेथड को एक्सेस करते हैं, तो हम ऑब्जेक्ट के साथ सेल्फ ऑब्जेक्ट को ज़रूर लिखते हैं। तो इस तरह से हमारे पास रेस्टोरेंट क्लास के अंदर तीन फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, फाइल क्रिएट हो रही है, रेस्टोरेंट सेव हो रहे हैं। अगर फाइल एग्जिस्ट है तो फाइल तो क्या हो जाएगा कि रेस्टोरेंट फाइल एग्जिस्ट करती है, अगर नहीं है तो उसके बाद रेस्टोरेंट फाइल जो है वो हमारे पास दोबारा से क्रिएट हो जाएगी। अगर हम इस गाइड क्लास में देखें तो आप देखें कि हमने जहाँ से पहले तमाम चीज़ें इनिशियलाइज़ कर दी हुई थी, तमाम फंक्शंस डिफाइन करते हुए थे इनिशियलाइज लंच वगैरह का, तो हम देखें कि जो कि रेस्टोरेंट क्लास हमने बनाई है, इस वक्त मैं रेस्टोरेंट को एक फाइल नहीं कहूँगी, क्लास कहूँगी, रेस्टोरेंट, उसके बाद फाइल पाथ इज इक्वल टू पाथ। अब मेरे पास रेस्टोरेंट की क्लास है, और जब हम क्लास को ऐसे डिफाइन करते हैं तो हम उसको रिक्वायर कर देते हैं ताकि क्लास गाइड क्लास को लोड होने से पहले ही हमारे पास रेस्टोरेंट की क्लास लोड हो जाए। तो इस तरह से हमारे पास अब गाइड से पहले ही रेस्टोरेंट की क्लास लोड हो जाएगी, हम इसको इसमें इस्तेमाल कर सकेंगे अपने इस गाइड की क्लास में। यहाँ पर इसका मैंने पाथ भी डिफाइन किया हुआ है कि हमारे पास रेस्टोरेंट क्लास का जो पाथ है वो हम इसको रेस्टोरेंट की फाइल में से लेकर आएंगे, तो अभी हम देखते हैं कि हम वहाँ पर इसको कैसे डिफाइन करेंगे। तो देखें यहाँ पर मेरे पास फाइल पाथ है जो कि यहाँ पर निल है। अभी हम इसको डिफाइन कर देते हैं सेल्फ डॉट फाइल पाथ इक्वल टू, हम यहाँ पर पाथ को कर देते हैं नल और हम इसका एंड कर देते हैं। इसका मतलब है हमारे पास एक और हमने फंक्शन कॉल कर लिया है सेल्फ ऑब्जेक्ट के साथ और इसको हमने बाद में एंड कर दिया है। इसके बाद हम कर देते हैं कि एंटर अंडर, अभी इसके अंदर ही हम क्लास के अंदर इस फंक्शन के अंदर ही इसको डिफाइन करते हैं फाइल पाथ इज इक्वल टू। अब यहाँ पर हम जो है वो फाइल का पाथ डिफाइन करेंगे जहाँ से रेस्टोरेंट की क्लास जो है वो कॉल हो जाएगी गर्ल क्लास में, और हमारे पास इस क्लास का पाथ स्पेसिफाई हो जाएगा फाइल लोड ज्वाइन ऐप अंडरस्कोर रूट पाथ। अब हमारे पास जो है इसका पाथ डिफाइन हो चुका है, तो इस तरह से हम रेस्टोरेंट की क्लास का पाथ गर्ल क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं रिक्वायर कीवर्ड को इस्तेमाल करते हुए।